नमस्ते कैंसर, कैंसर यानी कर्क राशि, मैं सुरेश कुमार ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मून साइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको अच्छा लगता है उसके साथ आप मैच कर सकते हैं। और ये 12 से 18 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कैंसर के जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, फिर देखते हैं कि आप उनके लिए क्या फील करते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में यूनिवर्स की गाइडेंस देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कैंसर जो आपके पर्सन हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, वो आपके बारे में क्या महसूस करते हैं। एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। तो इसमें जो है एक अच्छा गुड न्यूज़, गुड मैसेज, खुशखबरी आपको मिल सकती है। वो महसूस कर रहे हैं कि उनके जो आपको लेकर वो चिंता में है, प्रॉब्लम में है, तो वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जो मौका दे रहे हैं, अगर उसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर ली जाती है तो गिले शिकवे दूर होंगे और यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिलेगा। उनका लक साथ देगा, भाग्य साथ देगा और ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा, विनिंग की तरफ जाएगा, गिले शिकवे ख़त्म होंगे। और उनको लग रहा है, महसूस कर रहे हैं वो बार बार कि जो कैंसर है वो बार वो अकेले डिटैच, मतलब डिटैच ना रहें, वो कॉल्ड ना रहें, वो दूसरों के बारे में भी सोचे, दोनों पक्षों की बातें सुनते हुए आगे बढ़े। जो भी रिश्ते पैसे के लिए या जॉब बिजनेस के लिए है या जिस चीज़ के लिए भी इस रिश्ते में परेशानी और तकलीफ आ रही है तो वो इसमें अपनी एनर्जी एफर्ट लगाना चाह रहे हैं, पैसा, वो पैसे के ऊपर वर्कआउट करना चाह रहे हैं। क्योंकि उनको महसूस हो रहा है बार बार जितना पैसा कमाएंगे, जितना प्रॉपर्टी होगी, जितना करियर बनाएंगे, वो दूसरे पर इतना विश्वास नहीं करते, अपनी मेहनत पर, अपने पैसे पर ही विश्वास करते हैं। तो इसलिए उनको लग रहा है कि वो महसूस कर रहे हैं आपको लेकर कि अगर वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को खुद समझते हैं, पैसा कमाते हैं, जॉब बिजनेस करियर में आगे बढ़ते हैं, तो और सिर्फ दोनों पक्षों की बातें सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, एक बच्चे की एनर्जी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट के, बिना किसी हेराफेरी के आगे बढ़ेंगे। तो जो है ये रिश्ते में अबंडेंस आएगा, खुशियाँ आएंगी, प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, सूरज की तरह ये रिश्ता चमकेगा, नेम और फेम मिलेगा और काफ़ी सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सकता है। काफ़ी अच्छी पॉजिटिव वो आपके बारे में सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो डिटैच ना रहें, अकेले ना रहें, दोनों पक्षों के बारे में सोचें। और जो पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, जो भी जिस चीज़ के लिए भी इसमें परेशानी और दुविधाएँ आ रही हैं उस पर वर्कआउट करें। अगर उस पर मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, जॉब करते हैं, तो और अपनी एनर्जी के साथ, बच्चे की एनर्जी के साथ अपने इनर चाइल्ड को जगाते हैं, यानी कि बिना किसी धोखाधड़ी, बिना किसी हेराफेरी के आगे बढ़ते हैं, तो यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिलेगा और सक्सेसफुल ये रिश्ता होगा, गिले शिकवे ख़त्म होंगे, कामयाबी की तरफ रिश्ता बढ़ेगा। तो देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। वो आपसे चाहते हैं कि ये रिश्ता एक तरफ से ख़राब नहीं हुआ, दोनों तरफ से ख़राब हुआ है, तो इसमें उन्हें स्टैंड लेना चाहिए, उन्हें इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए, क्योंकि दुख तकलीफ दोनों को हुई है, दोनों हर्टेड हुए हैं, दोनों प्रॉब्लम में हैं, दोनों को चोटें आई हैं। यानी कि चोटें आने का मतलब ये नहीं कि लठ बजे हैं, उसमें लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन जो सोच सोच कर जो मतलब प्रॉब्लम हुई है, यानी कि हर्टेड हुए हैं, तो वो दोनों को हुई है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक मौका और दें, ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, उन्हें मौका देना ही चाहिए, ऐसा वो आपसे चाहते हैं। इसको देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड, क्योंकि वो इस रिश्ते में आपसे यही चाहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, डिटैच ना रहें, वो
इसमें क्लैरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातें करें, जो भी परेशानी, जो भी दुविधाएं, जो भी तकलीफ होंगी वो सारी ख़त्म होंगी और धीरे धीरे आगे रिश्ता बढ़ेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो अपने बारे में सोचेंगे तो रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। और वो ये भी चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो प्यार, जो डीप वाला प्यार है, बहुत प्यार है, बहुत गहरा इसमें प्यार है, लेकिन इसके साथ कुछ ना कुछ लस्ट भी है। यानी कि मतलब कोई एक जना महसूस करता है कि जो उनके पार्टनर हैं वो थर्ड पार्टी में है, या मतलब किसी तीसरे पर्सन की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्टेड होते हैं, दूसरों की बातें ज़्यादा मानते हैं, वो घर में खुद की बातें नहीं मानते, जिस वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है। तो वो आपसे चाहते हैं कि बजाय के इधर उधर घूमने के, इधर उधर भटकने के, वो इस रिश्ते में क्लैरिटी लाएं, खुलकर आमने सामने बातें करें, डिसीजन लें इस रिश्ते के लिए कि अगर उनको इस रिश्ते में प्रॉब्लम नहीं है तो वो आगे बढ़ सकते हैं, और अगर इन चीज़ों से प्रॉब्लम है तो वो ख़त्म कर सकते हैं। प्यार है, प्रेम है, लस्ट है, लेकिन उस लस्ट को, उस एडिक्शन को वो ख़त्म करना चाहते हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को, जो सोच सोच कर रिश्ते में परेशानियां, दुविधाएं बनी हुई हैं। तो यूनिवर्स भी इसमें, भाग्य आपका साथ देने वाला है, लक आपका, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते में मिल सकती हैं अगर वो समय रहते डिसीजन लेते हैं, इधर उधर नहीं भटकते। तो देख लेते हैं कैंसर, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। द फूल, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत। तो आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि वो जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन ना लें, लेकिन थोड़ा सा उन्हें पहले वो स्पिरिचुअल ग्रो करें, हील करें इस रिश्ते को, किसी नॉन पर्सन की मदद लें, ऐसे पर्सन की जो इस रिश्ते के बारे में नॉन है या उन्हें हील कर सकते हैं, उन्हें अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं, अच्छी गाइडलाइन उनके लिए वो बन सकते हैं। और क्योंकि आप, वो ये भी आपसे, आपके बारे में सोच रहे हैं कि वो सब कुछ जानते हैं इस रिश्ते के बारे में, वो समझदार है, तो वो अपनी विस्टम नॉलेज गेन करते रहें, समझदारी के साथ वो एक्शन लें इसमें कोई, और चुप रहें, खामोश रहें, ज़्यादा ना बोलें किसी के साथ भी, मतलब किसी बाहर वाले के साथ कुछ भी इसमें किसी को कुछ भी ना बताएं जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, यानी कि चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो जाती। और वो चाहते हैं कि अपने इनर चाइल्ड को जगाएं, अपने बच्चों वाली एनर्जी के साथ, यानी कि जैसे बच्चा हमेशा हैप्पी रहता है, खुश रहता है, मस्त रहता है, मग्न रहता है, कभी उसके चेहरे पर सिकन तक नहीं आती, उसे कोई मतलब नहीं होता दुनियादारी से, उन्हें सिर्फ और सिर्फ सच्चाई का पता है, वो झूठ नहीं बोलते, कोई छल कपट नहीं होता, कोई भेदभाव नहीं होता। तो उसी एनर्जी के साथ, बिना किसी हेरा फेरी धोखाधड़ी के, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर आगे बढ़ते हैं और इस रिश्ते में हीलिंग, मेडिटेशन के बाद, स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद, एक नॉन पर्सन की हेल्प लेते हुए उसमें थोड़ा सा रिस्क उठा लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सकता है और फिर से खुशियों में तब्दील हो सकता है। वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इसमें जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, सीधा जंप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सीधा जंप लगाने में हमेशा परेशानी आती है। वो पहले सोचें, समझें और अपनी विस्टम नॉलेज गेन करें, समझदारी के साथ, बुद्धिमानी के साथ वो इसमें एक्शन लें। और अगर वो इस रिश्ते में नहीं वापस आना चाह रहे, उनको नहीं लगता कि वो इस रिश्ते में वापस आ सकते हैं, तो अगर उनकी लाइफ में कोई दूसरा पार्टनर है तो चाहें तो वो वहाँ भी जा सकते हैं। और इसमें 12 की 12 राशियाँ साथ दे सकती हैं, क्योंकि ये सारे जो कार्ड हैं वो मेजर अरकाना के हैं, यानी कि तो सारी की सारी राशियाँ इसमें हो सकती हैं, सबसे ज़्यादा कार्ड मेजर अरकाना के हैं, तो 12 की 12 राशियां इसमें हो सकती हैं। देख लेते हैं शायद, देख लेते हैं आप चाहते क्या हैं।
अभी तो आप सिर्फ और सिर्फ ऐसा फील कर रहे थे कि आपके पर्सन को ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अभी देखते हैं कि आप उनसे क्या चाहते हैं या उनके लिए क्या चाहते हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कैंसर के जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में है, जो उन्होंने ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में अपने आप को बंद किया हुआ, जकड़ा हुआ है, वो उनका खुद का बनाया हुआ है, तो आप चाहते हैं कि उस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलें, वो आँखों से पटिया खोलें, वो उनसे बातें करें, वाद विवाद करने की बजाय वो उनसे बातें करें। अगर वो धीरे धीरे उनसे बातें करेंगे तो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से वो बाहर निकल पाएंगे, और दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लेते हुए वो अगर आगे बढ़ेंगे, क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, वो ये समझेंगे कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, लाइफ आगे कैसे बढ़ेगी, तो इस ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, ट्रूथ और सच्चाई के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं, तो क्योंकि भाग्य भी उनका साथ देगा, क्योंकि जो ये देख रहे हैं दोनों तरफ से ही अट्रैक्शन और प्यार तो है, दोनों ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनको लगता है कि उनके जो पार्टनर हैं, जो भी काम करते हैं वो अपने बलबूते पर करते हैं, यानी कि काम करने का जो नज़रिया है वो बहुत उनको पसंद आता है, तो इसलिए वो आपसे जुड़ा हुआ अटैचमेंट अभी भी फील कर रहे हैं, और भाग्य भी आपका साथ दे सकता है। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो आंखों से पटियां खोले, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकले, दिल से ना सोचकर दिमाग से काम लें, और क्योंकि दोनों तरफ से ही रिश्ता जुड़ा हुआ है और भाग्य भी आपका साथ देने आ रहा है, यानी कि लक्की पीरियड भी आपका चल रहा है, तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उन छल कपट को छोड़ दें, उन ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को, या फिर जो लस्ट है, गैम्बलिंग की हो सकती है, ड्रिंकिंग की, स्मोकिंग की, गेट नेगेटिव लोगों में बैठने की, या खुद नेगेटिव की, नेगेटिविटी की, तो उन चीज़ों को, उन बुरी आदतों को छोड़ दें, उस लस्ट को, उस एडिक्शन को छोड़ दें जो भी आपके अंदर है, तो या किसी दूसरे पर्सन की तरफ अट्रैक्शन की है, तो उन चीज़ों को अगर छोड़ देते हैं और इसको यूटिलाइज करते हैं, अच्छे काम में लगाते हैं, एक अच्छी बिगिनिंग, अच्छी शुरुआत करते हैं, तो रिश्ता खुशहाल हो सकता है, लक्की पीरियड आपका चला हुआ है, और ये रिश्ता आगे बढ़ने में एक जो 10 दिन से 1 महीने तक का भी इसमें समय लग सकता है, 10 दिन से 1 महीने से 3 महीने, ये 10 सप्ताह का, यानी कि 3 महीने तक का भी समय, 2.5-3 महीने का समय भी इसमें आपका लग सकता है, लेकिन आपको दिल से ना सोचकर दिमाग से इसके बारे में सोचना चाहिए। देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा, कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस चीज के लिए, जो आपके पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, धन दौलत है, लेकिन आप उससे चिपके हुए हैं, जिस वजह से हो सकता है कि इस रिश्ते में जो है नेगेटिविटी आई है, तो उस चीज़ों या फिर ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, मतलब उन चीज़ों को, कोई ऐसी बातें हैं जिनसे आप चिपके हुए हैं, उन्हें छोड़ नहीं रहे हैं, या जगह सिचुएशन हो सकती है, कोई पैसा प्रॉपर्टी हो सकता है, कोई सोच सोच कर रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है, उन नेगेटिविटी को ख़त्म अगर आप कर देते हैं, या ख़त्म कर देना चाहिए, तो अगर उससे आप बाहर निकलेंगे तो चीज़ें आपके हक में आनी शुरू हो जाएंगी, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में रह सकते हैं। तो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आइए, जिन चीज़ों से आप चिपके हुए हैं, समय के साथ, फ्लो के साथ बहने दीजिए, रिलीज कीजिए उन चीज़ों को, और इसमें जो है एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, और फिर से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए। अगर आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं, तो जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपकी दिली तमन्ना, जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उसको अनफिनिश्ड बिजनेस को कंप्लीट करते हुए नए सिरे से, या तो जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है उसको कंप्लीट कीजिए, और या रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर से एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत आपको करनी चाहिए। अगर नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं इस रिश्ते को, दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, एक दूसरे को गले से लगाते हैं, और सामने वाला अगर नहीं भी माफ़ करता, तो दिल से आप माफ़ी करते हुए अगर उससे आगे बढ़ेंगे
तो भी आपकी जो दिली तमन्ना है वो पूरी होगी और फ्रूटफुल रिश्ता होगा, कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको चाहिए कि जिस चीज़ को आप, जिन चीज़ों को आप दिल से चिपकाए हुए हैं, आप अपने से चिपकाए हुए हैं, उन्हें रिलीज़ कीजिए। चाहे वो पैसा प्रॉपर्टी है, चाहे आपकी सोच है, जगह सिचुएशन है, कोई लोग हैं, उन चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, उन बातों से, उस जगह से, उस सिचुएशन से, उन लोगों से, उस पैसे से, उस प्रॉपर्टी से। समय के साथ चीज़ों को बहने दीजिए, चलने दीजिए, तभी ये नेगेटिविटी ख़त्म होगी और आपका जो पॉजिटिव जो आउटकम है वो पॉजिटिव होगा और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी आपको मिलेंगी और अच्छा ये रिश्ता आपका जा सकता है। तो हर चीज़ आपकी अच्छी होगी, अच्छा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए जो चीज़ें आपको रोड़ा दे रही हैं, रोड़ा अटका रही हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से देख लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या मैसेज मिल रहा है, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। द चैरियट, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेथ। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाह रहे हैं कि जिस चीज़ को लेकर आपको प्रॉब्लम रही है, हर्टेड रहे हैं, दिल दुखा है, मन दुखा है, आप हील कीजिए उन चीज़ों को, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा स्पेस लीजिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, वक्त लीजिए और उन ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ दीजिए जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। जब तक आप उन चीज़ों को लेट गो नहीं करेंगे, उन चीज़ों को छोड़ नहीं देंगे, ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं, तो नेगेटिविटी आपको घेरे रखेगी। उन चीज़ों को छोड़ दीजिए जब, और पहले आप उसी में अपना हील कीजिए और समय करिए, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आइए, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कीजिए जो परेशानी और दुविधाएं दे रही हैं, नहीं तो पनौती, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आती रहेंगी। अगर आपको लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो उसको पहचानिए, उससे बाहर निकलिए। अगर आप खुद थर्ड पार्टी में हैं तो उससे बाहर निकलिए, तभी आप आगे रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोचिएगा, आगे बढ़ने के बारे में सोचिएगा। एक सिपाही की तरह, एक वॉरियर पर्सन की तरह, अगर आप गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे तो आपकी जीत निश्चित होगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी रिश्ता आगे बढ़ सकता है। जब आप अपने आप को हील करते हैं, उन चीज़ों से रिलैक्स करते हैं, उन चीज़ों से बाहर निकलते हैं जो इस सिचुएशन में रुकावटें दे रही हैं, बाधाएँ और दिक्कतें दे रही हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसे पहचानिए, उसे ख़त्म कीजिए, उसे बाहर निकलिए, तभी ये रिश्ता आपके लिए आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज आप इसी तरह आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे बिना सोचे समझे तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले अपने खुद को उन चीज़ों से बाहर निकलिएगा, तभी आप आगे बढ़ने के बारे में सोचिएगा, और अगर तभी आप रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोचिएगा, तभी रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। जब नेगेटिविटी को ख़त्म करेंगे, अपने आप को बदलेंगे, जिन चीज़ों से आप चिपके हुए हैं, सोच सोच कर रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो पॉजिटिव बनिए तभी आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे पॉजिटिविटी मिलती है और मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।